Myself, M.K. Singh. You are watching Modern Chemistry class. Today, I am going to deal some parts of haloalkane lecture theory. ठीक है, जैसा कि हम लोग previous lecture में बात कर चुके थे allylic halide क्या होते हैं. ठीक है, तो वहां तक हम लोगों का पूरा topic complete था. आज हम लोग बात करेंगे इस lecture में benzylic halide क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए heading डालते हैं हम लोग benzylic halide. देखिए ध्यान से, बेंजाइलिक हैलाइड को समझने के लिए आप एक छोटा सा टर्म मैं समझा रहा हूं, उसको देखिएगा ध्यान से. बेंजाइलिक का मतलब लोग कभी कभी ऐसा समझ जाते हैं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन से यदि मैंने हैलोजन को जोड़ दिया ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो. तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्या है, गलत है. इसका राइट कॉन्सेप्ट क्या है, इसपे हम लोग बात करते हैं. कि सबसे पहले तो ये चीज को हम लोग जान ले कि बेंजाइलिक ग्रुप का मतलब क्या है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या जानेंगे, देखिए ध्यान से. आप लोग शायद ऐसा देखे होइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जब बेंजीन रिंग से वन मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं. ठीक है, अब इस टॉलेन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि हम लोग बात करें तो sp3 होता है. ठीक है, तो इस sp3 कार्बन से यदि हम लोग वन हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पे, CH2 आ जाएगा. यहां पर एक वैलेंसी खाली हो गया. ठीक है, तो हम लोग इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कौन सा कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं. ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं या बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, जब हम लोग टॉलिन्स के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं यानी कि उससे हटाते हैं तो उसके कारण जिस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए एक और, जब यहां पर हम लोग आ ही गए हैं तो और एक दो छोटी बातें हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, यानी यहां पर देखिए अभी वन वैलेंसी खाली है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेंजाइल ग्रुप बोल रहे हैं. लेकिन यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यदि वन मोर हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या करते हैं, यहां से हटा देते तो आपका क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा बन जाएगा CH और यहां पर कितना वैलेंसी खाली हो गया, टू वैलेंसी खाली हो गया. तब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बेंजल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, और यदि और हम लोग चाहे तो यदि हम लोग यहां से देखिए अभी यहां पर कितना है, वन हाइड्रोजन और है तो इस वन हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसको भी हम लोग क्या करें, यदि हटा दे तो आपका कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा. इसको हम लोग इधर खींच देते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से. यहां पर देखिए क्या है, थ्री वैलेंसी खाली हो गया, थ्री वैलेंसी क्या हो गया, खाली हो गया. तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेंजो ग्रुप बोलेंगे. क्या बोलेंगे, बेंजो ग्रुप. ठीक है, तो ये है आपका क्या सिर्फ कुछ कंसेप्ट छोटा सा. अब हम लोग को जो एक्चुअल बात करना है बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में, तो हम लोग यहां से कौन सा ग्रुप ले लेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप ले लेते हैं. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो बेंजाइल हैलाइड पढ़ना है. तो देखिए यदि हम इस ग्रुप से, बेंजाइल ग्रुप से यदि हम लोग क्या कर दें, हैलोजन एटम को अटैच कर दे तो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा, मेरा बेंजाइलिक हैलाइड बोल जाएगा. तो इसको हम लोग लिखते कैसे है, तो लिखिएगा इन दिस कंपाउंड हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक और बेंजीन रिंग. ठीक है, ये आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग भी इसको बोल सकते हैं,
और इससे देखिए जो कार्बन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। यदि इससे मेरा हैलोजन एटम जुट गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोला करेंगे। अब हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड को बस हम पहुंच रहे हैं, आइएगा ठीक है। तो इस बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या चीज कि इस बेंजाइलिक हैलाइड को हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखिए, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड को हम लोग थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, बस हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं वहां पे नहीं आ पाएंगे, अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है। देखिए ये जो हैलोजन है जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन कितना डिग्री है, सिर्फ ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से भी हैलोजन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सेकेंड को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देखिए, ध्यान से यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं, यदि 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दिए, ठीक है, टॉलिन से, और यदि हम यहां पर क्या कर दे हेलोजन एटम जोड़ दे और यहां पर एक और कोई अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यह कार्बन कितना डिग्री हो गया, 1 और 2, तो यह कार्बन कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो यदि आपका 2 डिग्री से हेलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोला करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक और बच गया आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तीसरा क्या बच गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बच गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ये आपका क्या है, बेंजीन, यहां पर क्या है, कार्बन है। यदि यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई 3 अल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप भी लगा सकते हो, और यहां पर यदि मैं हैलोजन जोड़ दू, इस ये कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इससे यदि आपका हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोग समझा करें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग Bond, यानी कि अब यहां पर जो हैलोजन एटम जुड़ा होगा, जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है, sp2 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसको हमने उसमें सबसे पहला जो हम लोग कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं वो आपका क्या है, विनाइल हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड। देखिए यहां पर कोई भी टर्म समझने से पहले आप उसके बेसिक चीज पे जाइए, आप शायद 11th क्लास में पढ़े होंगे विनाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए। यदि कोई कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। VC का मतलब क्या है, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। यहां पे AB कार्बन कौन है, विनाइलिक कार्बन है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, विनाइलिक हैलाइड क्या है, तो जैसे कि मैंने यहां बोल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से एक वैलेंसी को हमने खाली किया और यहां पर हमने क्या कर दिया, हैलोजन एटम को जोड़ दिया, तो एक कौन सा हैलाइड हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट कहता है क्या, कि इस जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए कि sp2 है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक कीजिएगा, देखिए ध्यान से, एक कार्बन है, यहां पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को दिखा दिया, हैलोजन को दिखा दिया, देखिए एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइड्रेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो sp2
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया, उससे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। यानी कि सिंपली बोलेंगे इन दिस कंपाउंड हैलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ क्या चीज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम लोग बोला करते हैं क्या, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। एक और हम लोग बात कर लेते हैं क्या, एराइल हैलाइड पे। सेकेंड एराइल हैलाइड क्या है, इसको हम लोग आईपिंग में हैलो अडेंस भी बोल सकते हैं, हैलो अडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि ये बेंजीन रिंग हुआ, तो बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है, और इससे यदि हम लोग डायरेक्ट हैलोजन एटम को जोड़ दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड हो जाएगा। यानी कि सिंपली वी कैन से क्या चीज कि इन दिस कंपाउंड हैलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड बोलेंगे। अब इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5X, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इतना ग्रुप को हम लोग फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, और यहां पे आप इसको क्या बोल सकते हो, एराइल ग्रुप भी बोल सकते हो। तो आप देखिएगा कि इसका कहीं कहीं पे जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो लिख देता है क्या चीज, C6H5X भी लिख देता है, और यहां पर ARX भी लिख देता है। तो जहां पे AR का मतलब क्या लिखा रहता है, एराइल लिखा रहता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बढ़िया तरीके से देख ले। तो ये है आपके क्या चीज, एराइल हैलाइड, यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड में हमें दो कंपाउंड पढ़ने हैं, कौन कौन, एक तो विनाइल हैलाइड और दूसरा आपका क्या चीज, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन इट। देखिए ध्यान से, यदि मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एराइल हैलाइड है, इसमें आपका क्या है, सिंगल हैलोजन एटम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो अडेंस बोल देंगे। यदि आपका इसमें देख लीजिए टू हैलोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलो अडेंस बोलेंगे, ठीक है। यदि हम लोग इसमें बात कर ले कितना हैलोजन एटम है, थ्री हैलोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो अडेंस बोल देंगे, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, ऐसे ये सब चीज से कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है, लेकिन जो भी कंसेप्ट हो उसको आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, वो कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो इन सारे चीजों को आप लोग क्या कर ले, बढ़िया तरीके से देख ले, फिर मैं यहाँ पर कुछ आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा, फिर यहाँ पे एक बढ़िया सा कंसेप्ट बताऊंगा, अर्थो मेटा पारा क्या कंसेप्ट क्या है, इन सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आप एंजॉय करें और फिर आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म नोमेनक्लेचर बात करेंगे कि हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या कैसे किया जाता है, और उसमें एक और विशेष बात हम लोग करने वाले हैं कि आपका विसिनल हाईलाइट क्या होता है और जेमिनल हाईलाइट क्या होता है, जो कि काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए, थैंक यू वेरी मच।